फ्रेंड्स, तो आज मैं एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो को ले आया हूँ। और वो इंटरेस्टिंग वीडियो है दोनों फाइल्स के बीच, तो बहुत ही मज़ा आने वाला था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा से अगर इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी कभी ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग आप लाते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। चले जाए से अगर इस वीडियो को शॉर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने पहले बनाई CSK प्लस इंग्लैंड की टीम। तो मैंने फर्स्ट पर रखा CSK के धाकर ओपनर शेन वाटसन को। फ्रेंड्स 50 का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। और इनका सेकंड टू साथ देने वाले फ्रेंड्स इंग्लैंड के चार्ल्स बटलर। और फिर थर्ड पे बैठे तो फैक्ट रुक कैसे जाएंगे फ्रेंड्स। और फोर्थ पे आएंगे बेन स्टोक्स। और फिर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी जो ऑलराउंडर प्लेयर फ्रेंड्स, सब कुछ करके अर्थ कर रहे हैं। पावर हिटिंग, फिनिशिंग, विकेट कीपिंग, कैप्टनसी, DRS का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, काफ़ी अच्छे ये फिनिशिंग फ्रेंड्स। और इस टीम की कैप्टनसी और विकेट कीपिंग वो ही करने जा रहे हैं। अब चलिए महेंद्र सिंह धोनी के बाद आने वाले हैं रविंद्र जडेजा। इस टीम की फील्डिंग बहुत ही खतरनाक होगी, लास्ट में आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। फिर आएंगे ड्वेन ब्रावो, ये आपको हिटिंग भी करके दे देंगे नीचे में आएंगे। और फिर आएंगे लियाम प्लंकेट, लियाम प्लंकेट भी विकेट लेने वाले हैं। और फिर आएंगे दीपक चार, 6 बॉल पे 6 विकेट इन्होंने लिया था, मोस्ट डॉट बॉल्स भी इन्होंने डाल चुका है। और फिर आएंगे बाउंसर का अच्छा प्रयोग करने वाले जोफ्रा आर्चर। और फिर आएंगे तेज स्पिनर इमरान टाइप। तो क्या MI और न्यूजीलैंड में इतना दम है कि वह हरा सके? हाँ दोस्तों, दम तो होगा क्योंकि यार रोज सुपर इतना अच्छे माई फ्रेंड्स। सेकेंड पर क्विंटन डी कुक जिस टीम की विकेट कीपिंग करने वाले हैं। और थर्ड पे आएंगे केन विलियमसन जिस टीम की कैप्टनसी करेंगे। और फोर्थ पे आएंगे रॉस टेलर, उभरते हुए सितारे हैं न्यूजीलैंड के, 50-100 बॉट लगाते हैं, मिडल ऑर्डर को संभाल लेंगे। और फिर आएंगे केरन पोलार्ड, हिटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। फिर आएंगे हार्दिक पांड्या फ्रेंड्स। और फिर आएंगे जिमी नेशांग फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप फाइनल में क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और मैट हेनरी LBW बहुत अच्छे से लेता है फ्रेंड्स, LBW इनका काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स बात करूँ तो फिर ट्रेंट बोल्ट आएंगे फ्रेंड्स, ट्रेंट बोल्ट भी हैट्रिक काफ़ी लेता है, हैट्रिक लेने वाले बॉलर फ्रेंड्स। और फिर आएंगे द यॉर्कर किंग विल बी देयर, एकदम इनका हाथ पूरा हिलने लगता है फ्रेंड्स, अभी बॉल डालते हैं और इनका भी सेम या बूम बूम जैसे बूम रखा है। तो चलिए पूरी टीम की बात करूं तो CSK और इंग्लैंड की बात करूं तो शेन वॉटसन, जॉस बटलर, फास्ट डुप्लेसी, बेन स्टोक्स, MSD, जिस टीम की कैप्टनसी विकेट कीपिंग दोनों करेंगे रविंद्र जडेजा, DJ ब्रावो, दीपक चहर, प्लंकेट, जोफ्रा टहर। तो इस टीम की फील्डिंग आपको बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि वहाँ पे फास्ट डुप्लेसी, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका बैलेंस फील्डिंग का, तो काफ़ी विकेट कीपर भी दोनों की अच्छी अच्छी लग रहा है और कैप्टन भी दोनों की अच्छे अच्छे हैं फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत खतरनाक लग रही है। और MI न्यूजीलैंड की बात करें तो रोहित डिकॉक विकेट कीपर। और फिर केन विलियमसन कैप्टनसी, रॉस टेलर, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, जिमी नेशांग, मैट हेनरी, बोल्ट, मलिंगा और बुमराह, तो दोनों की काफ़ी अच्छी लग रही है। दोनों में जब ये मैच होगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छी लग रही है। तो इनकी ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, DJ ब्रावो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनका भी ऑलराउंडर बात करें तो पोलार्ड, हार्दिक और जिमी। हालांकि मुझे तो जाना होगा CSK प्लस इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है क्योंकि बेन स्टोक्स आ जाएंगे, MSD आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, DJ ब्रावो आ जाएंगे। और बॉलिंग में तो इमरान टाहिर हैं, इमरान टाहिर जब आते हैं तो बहुत विकेट ले लेते हैं। और जोहरा चहर, प्लंकेट, दीपक चहर, तो और यहाँ पे बट तो बॉलर हैं बुमराह, मलिंगा, बोल्ट, मैट हेनरी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक लग रही है, लेकिन मैं तो जान दूँगा CSK प्लस इंग्लैंड और MSD इस टीम का चांस बढ़ा देते हैं क्योंकि बस ऑलराउंडर प्लेयर फ्रेंड सब कुछ करके आपको दे देंगे। चलिए स्टार्ट अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अब तक समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखना।